आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। भूमाफियाओं के कब्जे से अपनी जमीन छुड़ाने के लिए 2 साल से 85 वर्षीय बुजुर्ग दर दर भटक रहा है, जिसके बाद अब उसने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखें रिपोर्ट। नीमच जिला मुख्यालय के समीप स्थित ग्राम कनावची निवासी एक 85 वर्षीय बुजुर्ग अभी 2 वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। बुजुर्ग का कहना है कि 1983 से उसके पास पुश्तैनी एक जमीन है जो सड़क से लगी हुई है, जिस पर विगत 2 से 3 वर्षों से भूमाफियाओं ने वर्तमान में कब्जा कर रखा है और न्याय के लिए वह दर दर भटक रहा है। बुजुर्ग ने अधिकारियों सहित पटवारी और पुलिस पर भी भ्रष्टाचार कर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं, जबकि एसडीएम न्यायालय से उपरोक्त भूमि की नप्ती और सीमांकन करने के आदेश भी जारी हो गए हैं, लेकिन उस और अब तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज जनसुनवाई में दिए आवेदन में बुजुर्ग ओकार सिंह ने बताया कि कनावची पटवारी लोकेंद्र हरि द्वारा मौखिक रिपोर्ट 10 जनवरी 2022 और भूमि के खसरा नकल की प्रति संलग्न करते हुए रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर दोबारा जांच की जाए। खसरा क्रमांक 633 और 634 दोनों कृषि भूमि थी, जिसमें से 633 बाय 65 भूमि ही 1997 में अजित कुमार जैन को बेची थी, जबकि 634 बाय 2 जो कि मेन रोड पर है वह ओमकार लाल ने अपने पास ही रखी थी, जो शासन द्वारा पावती और रिकॉर्ड में मौजूद है, और भूमि 634 बाय 2 मेन रोड से 52 फीट छोड़कर ही, जिस पर वर्तमान में रमेश चंद्र पाटीदार, राजेंद्र अग्रवाल और भैया गायरी अवैध कब्जा कर दुकानें बनाकर संचालन कर रहे हैं। महू नसीराबाद रोड ब्रिटिश शासन काल के समय का है और ये जमीन ग्वालियर स्टेट द्वारा जारी 1936 के नक्शे और तत्पश्चात समय समय पर जारी सभी नक्शे में मौजूद है, जबकि अधिकारियों का ये कहना है कि कनावटी नक्शा विहान गांव है, ये जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे पूर्वजों की है और शासन के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वहीं स्टेट बैंक के समय समय पर इस पर ऋण भी प्राप्त हुआ है। आवेदन में मांग की गई है कि इन भूमाफियाओं से मेरी भूमि वापस दिलाई जाए, क्योंकि मेरी आयु 85 वर्ष है और मैं बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने में असमर्थ हूँ। मैं यहाँ आता हूँ चक्कर लगाने के लिए, तहसीलदार पटेल वगैरह कोई सुनाई नहीं होती, ना इसकी नियुक्ति होती है मेरी, ना कोई सुनवाई होती क्या ना मेरी। करीबन 2 साल से भटक रहा हूँ। अधिकारी कहते हमारा नक्शा नहीं है, सब बोलते नक्शा नहीं है। हाँ नहीं सोच रहे हैं अधिकारी, नियुक्ति नहीं हो पा रही है, पटवारी तहसीलदार कटर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मेरे को 2 साल हो चुके हैं, 1200 वर्ष 1 करोड़ की जमीन है, मेन सड़क से लगी बिल्कुल 734 नंबर। रमेश चंद पाटीदार और श्याम गारी और राजू गोयल, इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और इन्होंने जमीन दी तो पीछे की जमीन पर खाली पड़ी है, वो आगे आगे बैठे हुए हैं, उन्होंने खरीदी तो पीछे की खरीदी, आगे बैठे हुए हैं। जब हाँ खाता बोल रहा है, बीमन खसरा बोल रहा है मेरा, हाँ सब पर दिए 181 नाम लगा दिया, एडी करा दिए, सुनने को नहीं हो रही। हाँ आज भी कुछ सिलसिका लगा के अभी चुनाव चल रहा है, 85 पार हो चुका। ये था आप तक का अपडेट, लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।